कहाँ जाएंगे वहाँ ड्रामा तो होना ही है ठीक है। टोरा कटती रहनी है। गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब के चाहने वाले, आज है दिन फोर्थ और आज हम रुक गए हैं चीचम विलेज में, जहाँ रात को हमें बड़ी मुश्किल से हमसे मिला था, लेकिन जो मिला बहुत बेस्ट मिला, घर का खाना खाने मिला और पीछे देखिए कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। ये हमारे होम स्टे की आपको थोड़ी सी मैं झलक दिखाता हूँ और यहाँ पे बैठा विक्की अक्का माइकी सैफ भाई और मैं रवि भाई का है और ये रवि भाई तुम्हें खिड़की दिख रहे होंगे भग गए। तो अब यहाँ पे दीदी जाने वाली है तो 7 बज चुके हैं, 7 बजने वाले, तो उन्होंने बोला सुबह से 7 बजे उठोगे तभी चाय वगैरह मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी, तो उठ गए चाय पी के फिर सो जाएंगे। गुड नाइट गाइस। यहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं और रात को हमारे माइकी के गेट के बाहर आया था और माइकी को सूंघ के चला गया, माइकी ने अपनी सांस बंद कर ली थी तो ये वाला जानवर था कुत्ता वो, और माइकी देख के डर गया और माइकी देख के डर गया और वो वापस चला गया अपनी मम्मी के पास। किसके पास? अपनी मम्मी के पास। गवार को उसने बिना प्रेशर दबाए अंदर दबा दिया ढक्कन, अब इससे निकलने का दीदी कह रही है या तो इसके पैसे दे के जाएगा या तो इसे निकाल के दे, और ये 2 घंटे से लगा पड़ा इसके अंदर। अब रख दे भैया के बना दे यार डोलो, और जितना कैश था सब खत्म हो चुका है और ये मेहनत करता हुआ देखो रख दे भैया रख दूं अभी ठीक करके देता हूँ। ये टास्क उल्टा टेढ़ा नहीं कर रहा, इसको दबाया ना जब ये टास्क इसको मिला हो जो कि नहीं हो रहा इससे। रिपोर्ट करवा दो दीदी इसकी। जैसी दीदी ने कहा कि मैं तेरी यहाँ रिपोर्ट कराने जा रही पुलिस स्टेशन में, वैसे ही इस बंदे ने निकाल दिया भाई गाइस। तो फाइनल टास्क इज कंप्लीट, चैंग शर्मा इज ऑन मिशन एंड मिशन इज कंप्लीट। तो दीदी भी खुश हो चुके हैं, अब ये ढक्कन निकल चुका है क्योंकि दीदी के पास ये इलेक्ट्रॉनिक वाला आइटम था और जो कि बहुत कॉस्टली था, वरना चैंग शर्मा के 20,000 रुपये अभी इसी में चले जाते हैं। अक्का मेरा ही दोस्त है भाई, 90,000 रुपये की शर्ट पहनता है भाई, ये देखो 90,000 रुपये की शर्ट दिखा अक्का, शर्ट तो दिखा। बिचारी एक गरीब अबला नारी का इन्होंने घर तोड़ कांच का, वो कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरे को पत्थर नहीं मारते, यहाँ के सर मार दिया सूरज अक्का ने धक्का दिया और सूरज का सर इसमें लगा, आधे बाल उड़ गए गाइस और पर सूरज का कुछ नहीं हुआ, कांच टूट गया यार। अब देखो इसके कितने पैसे बने, कितने पैसे भरने पड़ते हैं 20,000 रुपये का जग के पैसे इसने भरे हैं, बाकी शीशे का देखो कितने भरता है। पैसे लाया कि नहीं? ओए पैसे लाया, 90,000 रुपये की शर्ट बिक जाएगी, सही बात है। तो गाइस रेडी हो चुके हैं, लेकिन रेडी होने से पहले आपने वीडियो देख ही लिया होगा, इन्होंने ये देखो देख लिया होगा क्या कर दिया ये है, मेरा ही दोस्त है भाई। ये करा है सब 90,000 रुपये की शर्ट पहनता है लड़का और इसने बसंती हरी कर दी यहाँ की। चलो अब चलते हैं, अब हम जा रहे हैं लांचा, आंचा ना बांचा कर जा रहे थे लांचा। कोई सेंस है इस बात? तो अब डिस्कशन चल रहा है जो इन्होंने करी है यहाँ पर बसड़बाजी। भाई एक चीज बताओ मेरे को, जो 90,000 की शर्ट पहनता है उसको 1,000 रुपये का बड़ी बात है? सही बात है, 1,000 रुपये का 1,000 रुपये दिए हैं उस टीशर्ट तोड़े के और पहनने के लिए देते हैं। अब हम यहाँ से लेकर रहे हैं, तैयार हो चुके हैं सारे के सारे और रवि भाई भी अपना चल रहा है। रवि भाई क्या कहना चाहोगे इनकी इस हरकत? ये भाई ये जहाँ जाएंगे वहाँ ड्रामा तो होना ही है, हम सोचो रात बीत गई चलो ठीक है भाई, जैसे तैसे जहाँ हम सवारे होंगे ना तो कुछ ना कुछ होना ही होना है। दीदी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, अगली बार मैं आऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है वो जिसका सर फटते फटते बचा है, हाँ बच गया बच गया। सॉरी बोल, चल पैर छू, चल बाय बाय। सॉरी एंड थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया खाना खिलाया आपने, बाय। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी तरफ लांचा की तरफ। गाइस आज मेरी ड्यूटी लग गई ऊपर की, आज मैं करूंगा ये बंदा कंटेंट के लिए सिर्फ ऊपर चढ़ा है और किस चीज के लिए नहीं। पीछे क्या रखोगे? आज मेरा काम है, आप दो ना खड़ा करो इसको भी।
बहुत तेज आवाज आई थी यार, आवाज तो बहुत भयंकर, आवाज बहुत भयंकर आई थी। अरे भाई तो गाइस ये है चीचम की गाय और शीशम की पेड़ के पास। ये है याक। क्या हो गया? अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सिद्धी लगाओ, वहाँ मेरी मम्मी ने दूध और दड़िया बना के रखा हुआ है और वो हम सब खाएंगे क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। गरम गरम दड़िया खा के भैंस चरान जाएंगे, निहार काटने जाएंगे। यू बनाएगा उपला उपला से शकल गई। तो अब हम जा रहे हैं हिक्किम और लांचा, जो भी पहले आएगा वहां पहुंच जाएंगे। और हिक्किम जो है लास्ट पोस्ट ऑफिस है इंडिया का ना, इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस है, वहां जा रहे हैं। और लांचा जा रहे हैं, लांचा भी मोनेस्ट्री है, वहां देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा पूरा का पूरा स्पीति की जितनी भी स्पॉट थे सारे कवर हो जाएंगे। फिर हो सकेगा रास्ते में हम गियो मोनेस्ट्री जाएंगे जहाँ 500 साल पुरानी मम्मी रहती है। ये मम्मी तो अभी इन्होंने देखी गांव की गोरी और ये करेंगे डिस्क्राइब कैसी थी गांव की गोरी। फटोड़ उसके गाल ऐसे थे जैसे गुलाब रखे हो इसके और तुम्हारे इस पे जैसे गुलाब जामुन। तो ये सब के सब एकदम पर गाड़ी रोक दी, हाथ हिला रहे हैं। फैज नहीं साहब भाई ने बिल्कुल माइकी के ऐसे ऊपर माइकी के ऊपर चढ़ के उस लड़की को हाथ हिलाया है। उस लड़की ने बोला बाप तेरी मां का, गांव की देसी, गांव की देसी, यहां डोर उड़ा रहा था, गांव की गोरी होता है भाई। हम गलत तो नहीं जा रहे? नहीं ब्रो, वो तो रहा ब्रिज, ब्रिज जा रात को सिस्टम है, सेना उसकी रक्षा करती थी। पर जाके हम पर जाए ना हमारी रक्षा। लेकिन बात हुई वो क्या चीज थी यार भाई, रोहित भाई दिल्ली से लड़की, उस लड़की से इनका मन नहीं भरा है। ये अभी तक उसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक घंटा हो गया रवि भाई तुमने हम पहुंचने वाले हैं लेकिन ये अभी तक रुके ही नहीं। छी गंदी सोच, छोटी सोच, घटिया लोग, इनके साथ आ जाओ मैं, मेरी पवित्रता भंग करते हुए ये लोग इनकी माँ का। अगर वो हो गई सूरत से सेट, मैं इस ब्रिज से कूद कर ध्यान ले दूंगा, ले लूंगा दूंगा क्यों भाई, इसकी ले लूंगा। ओ वो देखो भेड़ दिख गई, वो देखो ये देखिए हिमालयन गोट, क्या बात है, आ रही है, चलती है क्या भाई साहब। ये देखो ये है यहाँ की हिमालयन गोट, क्या बात है। पत्थर वत्थर मत मारो, अरे कोई पत्थर ना मारो मेरे दीवाने, ओए ओए क्या बात है। कितनी है, चार ही है क्या, पांच, पांच देखो गिनो। दोबारा से चीज अम्बरीज पे आ चुके हैं, यहाँ पे ड्रोन उड़ाने वाले हैं सारे के सारे। और अभी का बहुत ही खतरनाक लग रहा है, चीचम ब्रिज को एक बार फिर देख लीजिए दोबारा, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको कितनी गहराई है। ये देखो इधर से, मेरे को तो डर लगता है इसलिए मैं जा नहीं रहा उस तरफ। सबसे खतरनाक ब्रिज हो रही है यहाँ पर, रील बनाते हुए हो जाता पीछे वाले चूक राजा जी। और ये देखिए नीचे कितना खतरनाक व्यू है, मेरे को फोन ले जाने में भी मेरी फट रही है। इधर भी देखिए कितना तगड़ा व्यू है, जिंदगी में नहीं देखा होगा, जिसने देखा होगा वही जानता होगा चीचम ब्रिज की खतरनाक ये खाई। और ये बिना डरे हुए यहाँ पर रील बनाते हुए चीचम ब्रिज से निकल के दोबारा हम लांचा की तरफ नीचे पहुंच चुके हैं। और लांचा लांगजा लांगजा सामने वाले पहाड़ उस पर रुके थे होम स्टेज में, वो देखो और दिखा दो आपको कितनी दूर है, क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है ऐसे देखने पे, वाव। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज कॉमिक विलेज में, जिसका एल्टीट्यूड है 4587 मीटर सी लेवल से। और यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है और इसके नीचे इक्के में जहाँ पे लास्ट पोस्ट ऑफिस है इंडिया का, और क्या कहते हैं हाई एल्टीट्यूड में बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल देखो ऊपर भी बुद्धा का वो है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, क्या बात है। बहुत ठंडा हो रखा है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है लेकिन उसके साथ साथ हवा इतनी सर्द और बर्फीली चल रही है और बहुत अमेजिंग लग रहा है। हम सबके सभी आ चुके हैं, इसके बाद हम आगे निकलेंगे और यहाँ पे भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि
कुछ लोगों का ऑक्सीजन लेवल की वजह से सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मिलते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ खाने बैठे हैं और खाने कहाँ पे बैठे हैं देखो मैं दिखाता हूँ। वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट 15,000 फीट पर है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जिन जिनके सर में दर्द हो रहा था ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इन्होंने अपने लेमन सोडा मंगाया और जैसे कि मुझे तुम जानते हो मैंने अपने चाय मंगाई है और तुलसी ने भी तुलसी ने मेरे टेंशन में बनाई है क्योंकि लेकिन वो इसके भी सर में दर्द है। बच्चा है ना कॉपी करता है मुझे एक्टिंग है। और इसके बाद हमने मंगवाया मैं ग्रिल वेज सैंडविच अपने लिए और रह के लिए क्योंकि हम वेज हैं और इन सब के लिए मैंने मंगवाया है ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट। और हॉट तो मेरे भी सूख गए वैसे क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है। छोटी वाची हो गया चीज़ सैंडविच आ चुका है और इसको खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। इन बच्चों का भी तक नहीं आया बेचारे कैसे मैं इतने दिनों से इन्हें पाल रहा हूँ और मेरी अब हालत ख़राब हो गई। मैं तो नहीं पाल पाऊँगा। मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप उस पे पैसे भेज देना ताकि मैं इन्हें पाल पाऊँ। इसके लिए थोड़े से 10-20 रुपये फालतू ही भेजना ठीक है। मेरे बच्चे हैं ये सारे सारे औलाद। तो हम वर्ल्ड के हाईएस्ट म्यूजियम में आ गए हैं। इसका नाम अभी पढ़ के बताता हूँ मैं। वैसे मैंने गोम्पा म्यूजियम नाम था इसका। अब हम इसके अंदर जरा जाके देखते हैं कि अगर ये खुला है। म्यूजियम कॉमिक गोम्पा ठीक है। ये सबसे ऊपर का हाइट पे है ये म्यूजियम लेकिन वो खुला हुआ है। तो अभी देख के आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लोगों ने शूज़ उतार रखे हैं। चलो हम भी चलते हैं अंदर। अगर वीडियो बनाने का हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगा अंदर क्या है। तो हम जा रहे हैं म्यूजियम के ऊपर। ये देखिए कितना अच्छा लकड़ी की स्टेयर्स हैं और सब लकड़ी का फ्लोर बना रखा है और ये नया ही बन रहा है मेरे हिसाब से शायद से। ओहो वाह हाँ ये बन ही रहा है अभी। तो ये म्यूजियम बुद्धा की अलग अलग फोटोज का है वो मूर्तिज का है और सारा इतिहास जो है ऊपर लिखा हुआ है। क्या बात है। और ये नया बन रहा है और पूरा फ्लोर का वुडन का वर्क हो रहा है इसमें फ्लोर पे भी और ऊपर भी खतरनाक। अंदर भी ठंडा लग रहा है लेकिन। ये था म्यूजियम हाईएस्ट म्यूजियम। इसका नाम है कॉमिक गोम्पा म्यूजियम ठीक है। तो आप आएंगे तो यहाँ पे एक बार जरूर आना। शायद जब तक आप आएंगे तब तक ये प्रॉपर बन चुका होगा। बर्फी बर्फ पूरे पहाड़ों पे बर्फी बर्फ कितनी खतरनाक लग रही है। मतलब सुंदर खतरनाक तो नहीं बट बहुत सुंदर लग रही है। अभी हवा रुक गई है नहीं तो बहुत तेज हवा चल रही थी यहाँ पर अभी फिर चल जाएगी। मतलब हवा चलती रहती है रुक जाती है चलती रहती है रुक जाती है ऐसे ही होता है। और ये जो है 4500 मीटर ऊपर है सी लेवल के। तो आप समझ सकते हैं कितना ऑक्सीजन लेवल कम होगा। मतलब 15,000 फीट पे है ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो रहा है और बिल्कुल धीरे चल रहे हैं हम तो। हरिओम ये क्या है चिमनी देखो हवा फिर तेज होने लगी है। तो गाइस हमने ऑफ रोड कर लिया है। ये देखो इसकी है कौन सी गाड़ी क्या बात है ऑफ रोड कर लिया है और सैफ भाई ने कर दिया मजे। ये बिल्कुल ऑफ रोड हो गई है क्या बात है ये ओ माय गॉड खतरनाक। ऐसे वहां से आए हम हाँ उतर सकती है लेकिन क्या बात है। इसमें हमने 500 मीटर बचा लिए अपने ऑफ रोड करके पता नहीं क्यों बचा। बढ़िया किया सैफ भाई ने सैफ भाई लिख ले दिलेर। तो गाइस हम आ चुके हैं वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पे जो है हिक्किम में विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शाखा डाकघर हिक्किम में आपका स्वागत है जो कि है 14,567 फीट की ऊंचाई पे 4,440 मीटर सी लेवल से। क्या बात है ये देखिए ये मेरे पीछे है और यहाँ से अभी हम कुछ लोग तार लिखने वाले हैं जो जो अपने पसंदीदा लोगों को तार लिखेंगे और वो जाएगा सीधा उनके घर और देखते कौन किसको क्या तार लिख रहा है। क्या बात है। और यहाँ से लेंगे सब लोग अपने लिए लेटर कमाल। क्या बात है क्या लिख रहे हैं मैं कह रहा हूँ कैसे क्या भेज सकते हैं वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ और कुछ सामान भेजना हो तो और कुछ भेजना हो तो सामान तो लिफाफे में डाल के फिर भेजना दिखाना
कितने का है? ठीक है तो मैं ये नहीं बताऊंगा कौन किसको क्या लिख रहा है, क्योंकि ये सबके लिए सरप्राइज है। कौन किसको डाक भेज रहा है वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से, और क्या क्या लिखने वाले हैं और क्या क्या उसके साथ भेजने वाले हैं। अगर मैंने बता दिया तो वो लोगों का सरप्राइज हो जाएगा, खत्म। क्या बात है, मतलब ये भी एक मेरी बकेट लिस्ट में था कि मैं यहाँ आऊँगा। मैं दो जगह गया, सबसे ऊंचे गांव में और सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पे। क्या बात है, बहुत खतरनाक। और ये देखिए यहाँ से सामने का व्यू, और ये है हिक्किम विलेज, ये है हिक्किम विलेज। और हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर, और सब लोग यहाँ पे फोटो करा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और अपने चाहने वालों को भेज रहे हैं पोस्ट। क्या बात है, अपना कोई है नहीं, मैं किसको भेजूं, किसी को नहीं भेज सकता मैं।